चलिए, हमारा टॉपिक चल रहा था पॉलिनोमियल का, और पॉलिनोमियल में आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि अगर हमें टू जीरोस दे रखे हों तो उन टू जीरोस से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म करते हैं। तो देखिए, ये इसका फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस, यहां सम ऑफ जीरोस, जो जीरोस होते हैं उसको एडिशन करके यहां लिखेंगे, इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एल्फा इनटू बीटा। जैसे मान लीजिए आपके पास में एल्फा, टू जीरोस में से वन जीरो आपको पहले से गिवन है, एल्फा इक्वल टू वन एंड बीटा इक्वल टू माइनस थ्री, ऐसे आपको गिवन है। तो आप क्या करेंगे, आपको निकालना हो कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट करिए। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा करते हैं, सम ऑफ जीरोस फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ वन प्लस बीटा की वैल्यू माइनस थ्री, ऐड करेंगे तो यहाँ हुआ माइनस टू, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टू, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, अल्फा और बीटा की वैल्यू मल्टीप्लाई करिए, वन इंटू माइनस टू माइनस थ्री, तो ये माइनस थ्री हुआ आपका। अब ये सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों की वैल्यू हमारे लिए इक्वेशन है, जो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ये इसको पुट अप करिए। तो जब हम इसे पुटिंग करेंगे इसमें से, तो यहां से हमारी जो वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस टू इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा माइनस थ्री, दिस इज माइनस थ्री। सो एक्स स्क्वायर ये प्लस टू प्लस टू एक्स, और ये आपका माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमें जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा हुआ फॉर्मूला, इफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा, अगर ये अकेला अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा यही दे रखा हो, यानी कि हमें मान लो कि सम ऑफ जीरोस दे रखा हो, तो डायरेक्ट हम सम ऑफ जीरोस की जगह सम ऑफ जीरोस की वैल्यू पुट अप करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से ही गिवन हो, कुछ वैल्यू हो, जैसे आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा माइनस फोर हो, तो यहाँ माइनस फोर पुट अप करेंगे और रख के यहाँ से हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, ठीक है। तो ये हमारा मेथड है कि जीरोस गिवन हो तो किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, जो आर एस अग्रवाल की 2A एक्सरसाइज से होंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, ये वन नंबर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन एग्जाम्पल का है ये क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस whose zeros are minus 5, 6 respectively। तो आपको दे रखा है sum of zeros minus 5 and the product of zeros is 6। तो आपसे पूछा है find the quadratic polynomial। तो किस तरीके से quadratic polynomial निकालेंगे? तो देखिए answer, यहाँ आपको sum of zeros यानी कि alpha plus beta, इसकी total की value दे रखी है minus 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू दे रखी है 6। सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों गिवन है, और हम ये जानते हैं, वी नो दैट वी हैव एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स एंड प्लस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू जीरो। अगर आपके पास में सम ऑफ जीरोस हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो, दोनों हो, तो ये जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, इसको पुट अप करके वैल्यू निकालते हैं और पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा सिक्स इक्वल टू जीरो। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू
ये ओपन करेंगे इसकी इसका ब्रैकेट माइनस माइनस प्लस प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। सो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो अगर आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हो तो इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3। तो इसमें देखिए आपको जीरोस गिवन है, 1 और -3 इसके जीरोस हैं और आपसे पूछा है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। तो आपको जीरोस गिवन है और क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल फाइंड आउट करना है और उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो देखिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो देखिए इसका आंसर यहां से, तो देखिए आपको जो गिवन है वो है अल्फा की वैल्यू, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज जीरोस आर 1 एंड -3। सो फर्स्ट जीरोस, फर्स्ट आंसर 1 अल्फा एंड सेकंड हमको गिवन है -3। आपसे पूछा है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू एक्स प्लस अल्फा इनटू बीटा। इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको दे रखा था अल्फा प्लस बीटा, वहां सम ऑफ जीरोस गिवन था, यहां पर अल्फा और बीटा इन दोनों की वैल्यू अलग अलग गिवन है। तो इसको ध्यान देना, रखते हैं यहां x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए अल्फा की वैल्यू 1 और बीटा की वैल्यू -3। एक्स अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू माइनस थ्री इक्वल टू 0। सो x² माइनस 1 -3 -2 और -2, तो ये हो जाएगा आपका -2 इंटू एक्स 1 इंटू माइनस थ्री इक्वल टू 0। x² ब्रैकेट के बाहर माइनस, इसको ओपन करिए, प्लस 2x -3 इक्वल टू 0। तो देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो हाफ क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल। तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है। उसके बाद आपसे पूछा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड द जीरोस। तो देखिए क्या करना है इसके अंदर, तो देखिए यहां पर आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिली, इसको हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए x² का कोएफिशिएंट यहां 1, यहां a है, तो हमारा हुआ a इक्वल टू 1। दूसरा देखो x का कोएफिशिएंट यहां 2, यहां x का कोएफिशिएंट b, तो b इक्वल टू 2 एंड c इक्वल टू -3, c इक्वल टू -3। तो आपके पास में a b c इन तीनों की वैल्यू निकल गई। वेरीफाई करने के लिए मैंने जैसे बताया था फॉर वेरिफिकेशन, देखिए फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सम ऑफ जीरोस -b/a के इक्वल टू होता है अल्फा इक्वल टू, यहां गिवन है 1, तो 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। राइट साइड देखिए माइनस बी इक्वल टू 2 एंड ए इक्वल टू 1। सो 1 -3 इक्वल टू -2 इक्वल टू -2। तो देखिए यहां पे सम ऑफ जीरोस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड होता है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहां पर इसको सी अपॉन ए वैल्यू रखते हैं, यहां पर अल्फा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू -3 और अपॉन ए, ए की वैल्यू हुई 1। सो -3 इक्वल टू -3।
तो दिस इज वेरीफाइड, सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दोनों वेरीफाई है। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले यहाँ पर पॉलिनोमियल फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इसको रिलेशन को वेरीफाई किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए इसमें गिवन है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस नाइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस थर्टीन एक्स प्लस सिक्सटीन, तो ये आपका पॉलिनोमियल गिवन है वन जीरो। इसका जो वन आंसर है वन जीरो इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, इसके कितने जीरोस होंगे टू जीरोस, एंड इट इज गिवन दैट वन जीरो इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, दूसरे का रेसिप्रोकल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू जो ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है इसको फाइंड आउट करिए। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए आंसर का करेंगे हम लोग, लेट द फर्स्ट जीरो, फर्स्ट जीरो वन ऑफ द जीरोस मतलब कोई सा भी एक जीरो इसमें एक अल्फा, एंड अदर जीरो, अदर जीरोस इज वन अपॉन अल्फा, बिकॉज अदर जीरो सेकंड जीरो इज वन अपॉन अल्फा रेसिप्रोकल, बिकॉज द नेक्स्ट जीरो इज रेसिप्रोकल द फर्स्ट वैल्यू। देन वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें पता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए, सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फर्स्ट जीरो ये सेकंड ये, तो अल्फा इंटू वन अपॉन अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए सी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सी की वैल्यू क्या है यहां पर हमारी कॉन्स्टेंट सिक्स है, तो यहां रखते हैं सिक्स से बाई ए मतलब फर्स्ट वैल्यू इसकी। तो देखिए यहां पर ए स्क्वायर प्लस नाइन, ए स्क्वायर प्लस नाइन, यहां पर आप कैपिटल सी अपॉन कैपिटल ए कर सकते हैं जिससे नोटेशन चेंज हो जाए, यहां पर ए स्मॉल ए दे रखा है। तो देखिए अल्फा टू अल्फा कैंसिल आउट, वन इक्वल टू सिक्स ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस नाइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सो ए स्क्वायर प्लस नाइन इज इक्वल टू सिक्स ए, इस साइड ट्रांसफर ए स्क्वायर माइनस सिक्स ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो। अब देखिए नाइन के फैक्टर करिए, नाइन के ऐसे फैक्टर प्लस करने पर जो वैल्यू हो वो सिक्स हो जाए। तो देखिए नाइन के फैक्टर हुए थ्री इंटू थ्री, तो थ्री इंटू थ्री अगर करेंगे आप तो इसकी वैल्यू नाइन आती है, और थ्री प्लस थ्री करेंगे तो वैल्यू आती है यहां सिक्स। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस सिक्स यहां करना है, सिक्स यहां पर कर लिए, थ्री प्लस थ्री इंटू ए प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ओपन करिए ए स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई ए का माइनस थ्री है, माइनस थ्री है नाइन इक्वल टू जीरो। देखिए यहां पर कॉमन लेते हैं हम लोग टू टू के पेयर बना के, तो यहां ए ए माइनस थ्री माइनस थ्री ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, कॉमन लेते हैं ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री ए माइनस थ्री एंड ए माइनस थ्री। तो देखिए दो ये दोनों नंबर प्रोडक्ट में जीरो हैं, तो या तो ये फर्स्ट नंबर जीरो होगा या सेकंड नंबर। सो इफ वी टेक इफ ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो ए इक्वल टू थ्री, और सेकंड भी ऐसे ही है ए माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो इसको भी यही चीज है सेम, तो ए इक्वल टू थ्री, तो ए की वैल्यू हमारी है थ्री, और यही हमारा आंसर। तो आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, सो माय ए की वैल्यू थ्री, ये हमारा आंसर। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के संग मिलेंगे। थैंक यू।